लालू यादव जी के स्वास्थ्य और उनकी उम्र निश्चित रूप से उन्हें आने वाले समय में परेशान कर रहा था। अब जब वो अपनों के बीच में रहेंगे, महसूस करेंगे, कुछ सामाजिक और राजनीतिक एक्टिविटीज में रहेंगे, ये मुझे नहीं पता स्वास्थ्य उनको कितना सपोर्ट करेगा। उम्र भी 76-77 के लगभग हो चुका है, लेकिन मैं चाहूंगा कि लालू यादव ये मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से बहुत स्वस्थ रहें और पहले वो शारीरिक रूप से वो इलाज कराएं, लेकिन जब वो सामाजिक रूप में एक्टिविटीज में रहेंगे तो जो उनका टेंशन था, मेंटल टेंशन, जिसके चलते और अत्यधिक बीमारियां बढ़ती थी, तो बीमारियां कमेंगी। तो अत्यधिक प्रसन्नता इस बात की है कि वो अपने चाहने वालों के बीच रहेंगे, अपने शुभचिंतकों के बीच रहेंगे, अपने परिवार के बीच रहेंगे। मैं परिवार को एक नेक सलाह जरूर दूंगा कि लालू यादव जी को एक अच्छे वातावरण का सहयोग मिले, उन्हें मानसिक रूप से कभी भी टेंशन नहीं मिलना चाहिए। यदि लालू यादव जी को मानसिक रूप से टेंशन नहीं मिलेगी तो वह एक और भी बेहतर तरीके से अपने जीवन को जी सकते हैं। मैं आरजेडी के उन लोगों से भी आग्रह करूंगा जो आज भी बिहार की राजनीति को कम समझते हैं, 1990 को समझते हैं कि अब वो हालात नहीं है, आप ऐसा कोई काम ना करें जिससे लालू यादव के स्वास्थ्य पर और मानसिक चीजों पर असर पड़ेगा और साथ साथ लालू यादव के चाहने वाले जो समाज है उस पर असर पड़े। राजद के कई वर्कर और कई ऐसे लोगों के चलते समाज पर बहुत बुरा असर पड़ता है। जैसे अभी कोई एक घटना घटी और किसी ने किसी जाति को गाली दिया तो कुछ लोगों ने जातियों को भी, दूसरी जातियों को भी गाली देने की शुरुआत कर दी, तो ये शोभा नहीं देता है। अब आकाश पर थूक फेंकते रहते हैं, भगवान को लोग गाली देते रहते हैं, इसका मतलब हम भगवान के लिए काटमार करने लगे, थूक फेंकेंगे तो मेरे मुंह पर पड़ेगा। तो जो लोग सिर्फ अपनी राजनीति करने के लिए जाति का आर लेके दूसरों की जातियों के समुदाय को, समूह को, धर्म को गाली देता है, वह लालू यादव का हित नहीं कर सकता।